आपने ऐसे सीन्स टीवी पर कई बार देखे होंगे, पर इस फुटेज के बारे में कुछ स्पेशल है। 2019 में करीब 100 बीजेपी एमएलए धरने पर बैठ गए थे अपनी ही सरकार के खिलाफ। फिर इसके अलावा एक और इंसिडेंट है। 17 दिसंबर को अमित शाह लखनऊ में एक रैली एड्रेस कर रहे थे, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था निषाद कम्युनिटी, जो एक ओबीसी ग्रुप है। वो रैली स्टार्ट ऐसे हुई थी, मित्रों आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, निषाद समाज के सारे बाकी के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। मित्रों पूरा करने का काम करेगी। पर उसका अंत ऐसे हुआ था। अब ये दोनों डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं, पर एक्चुअली ये रिलेटेड है। और इसके पीछे की प्रॉब्लम है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल अडॉप्ट किया। वाइब्रेंट गुजरात अंडर द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इज नाउ अ रोल मॉडल फॉर द होल कंट्री। अरे वाह, गुड आइडिया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस धरने के पीछे मेन कारण था कि बीजेपी के एक ओबीसी लीडर ने कंप्लेन करी थी कि उनको उत्तर प्रदेश के ही स्टेट पुलिस परेशान कर रही थी। और ये जो तोड़फोड़ आपने देखी वो इसलिए थी क्योंकि निषाद कम्युनिटी गुस्से में थी बीजेपी से। कई टाइम से उनकी डिमांड रही है कि उनको शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में इंक्लूड करना चाहिए और ना कि ओबीसी में। पर बीजेपी ने ये डिमांड उनको प्रॉमिस भी करी थी। अब चाहे 2019 में कई निषाद कम्युनिटी के वोटर्स ने बीजेपी के समर्थन में वोट दिया, उनका ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं। और निषाद कम्युनिटी कोई अकेली कम्युनिटी नहीं है जो बहुत गुस्से में है बीजेपी सरकार से, बल्कि कई नॉन यादव ओबीसी ग्रुप्स भी गुस्से में हैं। जैसे रिसेंटली हमने देखा कि कई ओबीसी लीडर्स, इवन मिनिस्टर्स जिनके पास बड़े बड़े पोर्टफोलियोज थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार से रेजिग्नेशन दे दिया। और इसके पीछे जड़ है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार चलाई है, और यही इश्यू होगा हमारे इस वीडियो का जो सेकेंड वीडियो है यूपी की इलेक्शन सीरीज में। आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है सीरीज का तो उसे जरूर देखिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर 2022 में सरकार चाहिए तो तत्काल इनके जो मुद्दे हैं जो हल होने लायक हैं, निषाद समाज के सारे बाकी के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। मित्रों पूरा करने का। 1989 से जब से कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ है उत्तर प्रदेश में, तब से तीन मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बीजेपी जो मोर और लेस अपर कास्ट जैसे राजपूत ब्राह्मण और बनियास को रिप्रेजेंट करती है, समाजवादी पार्टी जिसका कोर सपोर्ट मुस्लिम और यादव रहे, और बहुजन समाज पार्टी जिसका कोर वोटर ग्रुप जातव दलित रहे। पर ऐसे कई नॉन यादव ओबीसी और नॉन जातव दलित हैं जिनको इतनी ठोस रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। और जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 2014 से बीजेपी सरकार इन्हीं ग्रुप को टारगेट की कोशिश करी है उत्तर प्रदेश में एक मेजोरिटी जीतने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है। 2001 में जब राजनाथ सिंह बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया था ओबीसी कम्युनिटी को तीन भागों में डिवाइड करने के लिए। एक थे यादव जिनकी सबसे अच्छी पोजीशन थी ओबीसी ग्रुप में और उनको 5% रिजर्वेशन दी गई। उर्मीज और गुज्जर जैसी कम्युनिटी सेकंड ग्रुप था जिनको 9% रिजर्वेशन दी गई। पर फिर आए कुशवाहा निषाद और लोनिया जैसे ओबीसी ग्रुप्स जो सबसे डिसएडवांटेज थे और उनको 14% रिजर्वेशन दी गई। ये इसलिए किया गया क्योंकि कई लोगों का मानना था कि जो ओबीसीज को रिजर्वेशन दी गई थी 27% की, उसको यूजली यादव डोमिनेट कर रहे थे जिनको क्रीमी लेयर ओबीसीज भी कहा जाता है। पर जो दूसरे ओबीसी ग्रुप थे उनको इतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे रिजर्वेशन से। और राजनाथ सिंह सरकार ने सोचा कि अगर हम ओबीसी कम्युनिटी को स्प्लिट कर देंगे तो सबको शायद बेहतर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे और एक ग्रुप डोमिनेट नहीं करेगा इन बेनिफिट्स को। अब क्योंकि राजनाथ सिंह की सरकार गिर गई थी थोड़े टाइम बाद, इसलिए वो ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। पर बीजेपी सरकार को तब से एक ब्लूप्रिंट मिल गया उत्तर प्रदेश में काम करने के। और इसी ब्लूप्रिंट की वजह से लास्ट दो इलेक्शंस के दौरान बीजेपी ने कई ओबीसी और दलित कैंडिडेट्स को फील्ड किया है, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार को खुद को भी फायदा मिला है। जैसे 2017 में पोस्ट पोल डेटा के हिसाब से बीजेपी ने 60% से ज्यादा ओबीसी वोट जीते थे। इनफैक्ट नॉन यादव ओबीसी और नॉन यादव दलित्स को टारगेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन स्ट्रेटजी थी बीजेपी के लिए 2014 के जनरल इलेक्शंस में भी। और अगर आप बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक बुक जो मैं स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा आपको वो है हाउ द बीजेपी विंस, जिसको जर्नलिस्ट प्रशांत झा ने लिखा था। पर आपको फिजिकल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इस ऑडियो बुक में 8 चैप्टर्स हैं जो डिटेल करते हैं कि बीजेपी की इलेक्शन और कैंपेनिंग स्ट्रैटेजीज बनती कैसे है। पर इस ऑडियो बुक के अलावा आपको कई और ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स मिल सकती हैं कुकू FM ऐप पर ढेरों इंडियन लैंग्वेजेस में। और
कोको एफएम ऐप एक अच्छा लर्निंग मीडियम है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता है एक बुक पढ़ने के लिए, और दूसरा आपको हज़ारों रुपए खर्च नहीं करते फिजिकल बुक्स खरीदने के लिए। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। उनका एनुअल प्लान यूजुअली होता है 399 रुपीज़ का, तो अगर आप मोहक 50 डिस्काउंट कोड यूज़ करोगे तो आपको ये ऐप का एनुअल प्लान मिल सकता है बस ₹199 में। पर ये ऑफर बस पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी आपको डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब ये देखकर कि बीजेपी ने कई ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स को फील्ड किया है, लोग बोलेंगे कि बीजेपी तो इन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन दे रही है, पर ये एक्चुअली सच नहीं है। पॉलिटिकल रिसर्चर आसिम अली ने एक आर्टिकल में अपने बताया कि रिप्रेजेंटेशन की बेसिकली 3 स्टेजेस होती है, डिस्क्रिप्टिव, सिम्बॉलिक और सब्सटेंसिव। डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन होती है कि बेसिकली जब एक कम्युनिटी को एक ऐसा लीडर रिप्रेजेंट करता है जो एक्चुअली उनकी तरह दिखता है या फिर उनकी कम्युनिटी से है। जैसे मान लीजिए कि एक पंचायत में महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल कैंडिडेट फील्ड करी जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फीमेल कैंडिडेट एक्चुअली सारे इश्यूज सॉल्व कर पाएंगी जो महिलाओं की उस लोकैलिटी में है। अब ओबीसी और दलित कैंडिडेट्स को फील करके बीजेपी ने इन कम्युनिटीज को डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन तो दे दी है, पर ये बहुत आसान भी है करना। मुश्किल तब होती है जब इन कम्युनिटीज को सिंबॉलिक या फिर सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन के बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में गोल ये होता है कि आपको बताना पड़ता है कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो स्ट्रांग है और वो आपके साथ खड़ा हुआ है। पर अनफॉर्चुनेटली योगी आदित्यनाथ की सरकार नाकाम हो गई है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कई कम्युनिटीज। इसे एक बीजेपी एमएलए जो धरने पर बैठे हुए थे विधानसभा में योगी सरकार के खिलाफ, वो थे नंद किशोर गुज्जर, और गुज्जर का दावा था कि कई पुलिस ऑफिशियल्स और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनको और उनके परिवार को बहुत परेशान कर रहे थे, पर इसके बावजूद कि उन्हें सरकार में कंप्लेन दर्ज करी थी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इस बात को सुनकर और देखकर कई गुज्जर समाज के लोग ये कहेंगे कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ हो सकते हैं। पर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को नुकसान हम छोटे छोटे इंसिडेंट से भी देख सकते हैं। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं और उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी फोटोज वायरल हुई थी जब ये देखा गया कि वो खुद तो स्टूल पर बैठे हुए थे पर योगी आदित्यनाथ जो ठाकुर कम्युनिटी से हैं वो चेयर पर बैठे हुए थे। पर आप में से कई लोग को पता होगा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये एलिगेशन लगाई जाती है कि वो ठाकुर कम्युनिटी की तरफ बहुत ही बायस्ड है, और वैसे भी ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो योगी जी आने चाहिए। बीजेपी सरकार इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को और नुकसान हुआ फार्मर्स की प्रोटेस्ट के दौरान, जब कई गुज्जर और जाट किसान प्रोटेस्ट तो कर रहे थे पर इन कम्युनिटीज के बीजेपी मिनिस्टर्स अपना समर्थन दिखाने नहीं आए। और जब पिछले साल कई दलित टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, तो पुलिस ने बल्कि उन पर लाठी चार्ज किया और बीजेपी सरकार के दलित लीडर्स से उनको समर्थन नहीं मिला। रिप्रेजेंटेशन की फाइनल स्टेज होती है सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन, और ये माना जाता है कि जब एक कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी तो उनके मुद्दों के बारे में चर्चा की जाएगी और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और कई कम्युनिटीज मानती है कि चाहे उनको डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन दे दी हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी हो, पर उनको अभी तक सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। निषाद कम्युनिटी का भी यही दावा है क्योंकि उनकी रिजर्वेशन की डिमांड बीजेपी सरकार ने पूरी नहीं की गई। अब हमने पिछड़ी में रह गए, अनुसूचित में रह गए। हाँ, और इसका असर सीपीएमटी के उन बच्चों पे पड़ा। चेंज हो गया और फिर ऐसे ही 30 साल चलता रहा। अब जैसे दलित की बात करते हैं, कई लोग ये कहेंगे कि क्योंकि बीजेपी सरकार ने कई वेलफेयर प्रोग्राम्स करे हैं जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात भी करी थी, इसकी वजह से दलित सेटिस्फाइड होने चाहिए अपनी रिप्रेजेंटेशन से क्योंकि उनको सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन तो मिल गई। पर ये वेलफेयर प्रोग्राम्स बस दलित समाज की एक ही नीड को सॉल्व करते हैं, दलित समाज की कई सारी जरूरतें हैं, चाहे वो जॉब्स हो या फिर सोशल स्टिग्मा हो उनकी कम्युनिटी के खिलाफ। पर इसके अलावा दलित कम्युनिटी मेंबर्स का ये भी मानना है कि सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन तो छोड़ो, उनको डिस्क्रिप्टिव और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिली। जैसे यूपी सरकार के कैबिनेट में बस एक ही मिनिस्टर हैं जो दलित हैं। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कई कम्युनिटीज अब इंडिया में बहुत एम्बिशियस हैं, उनको आप बस डिस्क्रिप्टिव या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। जैसे दलित समाज के एक बीजेपी वर्कर ने हिंदुस्तान टाइम्स को रिसेंटली बताया कि अब उनके समाज में बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, किसी दलित के घर में खाना खाने से या फिर एक फोटो खींचने से काफी नहीं होगा, बस एक दलित व्यक्ति को मिनिस्टर बनाना काफी नहीं है बल्कि उनकी क्या रैंक है और कितना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है ये भी मैटर करता है। एक दलित इंटेलेक्चुअल चंद्राभान प्रसाद ने ये भी कहा कि दलित की जो डिग्निटी है उसको कोई भी सरकार अब कुछ किलो राशन और कुछ नमक से खरीद नहीं सकती। अब सवाल यह है कि रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम क्यों? उसकी मेन वजह है ये व्यक्ति, यूपी प्लस योगी बहुत है। सबके मन की ये भाषा, यहां दो दो है आशा।
योगी आदित्यनाथ इन्होंने पावर सेंट्रलाइज कर दी अपने पास चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। सारी पावर चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर उनके पास ही थी और इसको योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहा गया। पर एक्चुअली ये बहुत सिमिलर है नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल से। अभी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कई चीजें करना बहुत आसान कर देती है एक सरकार को, पर इसकी वजह से कम्युनिटीज को पावर देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और शायद योगी आदित्यनाथ को लगा होगा कि क्योंकि गुजरात मॉडल बहुत ही पॉलिटिकली सक्सेसफुल रहा था नरेंद्र मोदी के लिए, वो ये चीज यूपी में भी दोहरा सकते हैं। पर रियलिटी ये है कि उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत अलग है गुजरात के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से। इसके पीछे दो कारण है। पहला कि गुजरात में जो बैकवर्ड कम्युनिटीज थी उन्होंने रीसेंट मेमोरी में कोई स्ट्रगल नहीं देखा अपनी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में मंडल मूवमेंट में देखा गया था। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में कई डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के लिए रिप्रेजेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने मंडल मूवमेंट के दौरान बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। सेकेंडली यूपी और गुजरात का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत अलग है नियो मिडिल क्लास की वजह से। नियो मिडिल क्लास बेसिकली एक सेगमेंट है, इसको डिफाइन किया गया था पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जेफलॉट ने। ये नियो मिडिल क्लास अब गुजरात में तो पा सकते हैं पर उत्तर प्रदेश में नहीं। ये नियो मिडिल क्लास बनी थी जब सोशल मोबिलिटी हुई थी कुछ कम्युनिटीज में गुजरात में, इसकी वजह से वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ गए थे। जैसे जेफलॉट बताते हैं कि न्यू मिडिल क्लास में वो लोग मौजूद हैं जैसे एक रूरल ओबीसी वोटर जो अपने शायद गांव में कांग्रेस के लिए वोट करता होगा, पर जैसे वो शहर में आए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस बीजेपी की तरफ मोड़ ली। जेफलॉट कहते हैं कि इस न्यू मिडिल क्लास फिनोमेनन की वजह से जो गुजरात में हुआ था, एक ओबीसी वोटर जो शहर में आता है वो अपनी कम्युनिटी की तरफ वोट नहीं करता और हिंदुत्व के एक्सपेरिमेंट ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं उन पर। पर उत्तर प्रदेश में ये मिडिल क्लास फिनोमेनन देखा ही नहीं गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट ही नहीं हो पाई है। पर उत्तर प्रदेश में इतने शहर बने ही नहीं है जिससे मोबिलिटी नहीं हुई है और जिसकी वजह से कास्ट रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होनी भी चाहिए जब सरकार के इंस्टीट्यूशंस आपके लिए काम ही नहीं करते। जैसे आप में से कई लोगों ने फूलन देवी का नाम सुना हो, कई अपर कास्ट मर्दों ने उनका रेप किया था उनके गाँव में, पर ना पुलिस और ना ही किसी सिस्टम ने उनकी मदद करी। इसीलिए बदला लेने के लिए उन्होंने खुद ही एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली अपनी कम्युनिटी की मदद करने के लिए। आज फूलन देवी अपनी बहादुरी के लिए मानी जाती है। और वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी? वही निषाद कम्युनिटी से जिसके बारे में हमने अपने इंट्रो में बात करी थी। अब जो फूलन देवी के साथ हुआ था, जो निषाद कम्युनिटी की रिजर्वेशन की डिमांड है, हम उन दोनों चीजों को कंपेयर भले ही नहीं कर सकते, पर ये टूटी हुई कुर्सियां बताती हैं कि उन दोनों के लिए डिस्क्रिप्टिव और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन काफी नहीं होगी।